लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज नई मुंबई के मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर और सिडको एमडी डॉक्टर संजीव मुखर्जी से मुलाकात की। शिवसेना के कई पदाधिकारियों के साथ आयुक्त और एमडी से मिलने पहुंचे विजय नाहटा ने अपनी मुलाकात में नई मुंबई के कई अहम मुद्दों और समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। माड़ा के चेयरमैन विजय नाहटा ने दोनों उच्च अधिकारियों से अपनी मुलाकात में और क्या कुछ मांग की, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी मुलाकात में रीडेवलपमेंट के लिए प्रस्तावित इमारतों के रहवासियों के लिए ट्रांजिट कैंप बनाने की अनुमति देने, तुर्वे स्टोर के रहवासियों के लिए मुसीबत बने कचरा डिपो के लिए जिलाधिकारी से नई जगह उपलब्ध कराने तथा सोसाइटियों द्वारा कचरे से बनाए जाने वाले कंपोस्ट खाद योजना में जरूरी मदद करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की और समाधान की मांग की। विजय नाहटा ने विश्वास जताया कि आयुक्त सकारात्मक हैं और उन्होंने तमाम मांगों पर समाधान का भरोसा दिलाया है। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने रीडेव्हलपमेंटचा एक विषय होता। रीडेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये ज्या मोकळ्या जागा आहेत त्या जागा रीडेव्हलपमेंट लवकर व्हावा म्हणून ट्रान्झिटला बांधून देण्यासाठी उपलब्ध करून द्याव्या त्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाली। तुर्भ्यामध्ये कचरा डेपो जो आहे त्या ठिकाणी तिथल्या लोकांना जो त्रास होतो तर त्या ठिकाणी ॲडिशनल जागा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घेऊन त्या ठिकाणी एकदम ॲडव्हान्स मशिनरी बसवावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव सुरेश कुलकर्णींनी दिला। तर शासनाकडे कलेक्टरकडे जागेची मागणी करण्याच्या संबंधामध्ये चर्चा होती, ती चर्चा झाली। ओला कचरा सुका कचऱ्याच्या बाबतीमध्ये कंपोस्ट खत तयार करणं। नई मुंबई मनपा की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के सवाल पर शिवसेना नेता विजय नाहटा ने गणेश नाइक का नाम लिए बिना कहा कि नई मुंबई के कुछ नेताओं ने 5 सालों में 45,000 बोगस वोटर्स रजिस्टर्ड करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस धांधली को रोकने के लिए शिवसेना ने जिलाधिकारी और निर्वाचन आयोग को निवेदन दिया है और नई मुंबई की मतदाता सूची की जाँच करने की मांग की है। त्याच्यानंतर मतदार यादीच्या बाबतीत मागेही तक्रार केली होती। मतदार यादीच्या बाबतीमध्ये एका विशिष्ट हाऊसमध्ये बसून जे बोगस मतदार नोंदवण्यात आलेले आहे त्याची तक्रार करण्यात आली। म्हणजे 15 ते 20 5 वर्षामध्ये 45,000 मतदार वाढले आणि करोनाच्या काळात सगळे शासकीय कर्मचारी दुसऱ्या कामात असताना 2-4 महिन्यामध्ये 45,500 मतदार वाढले। हे जे स्कॅन्डल झालेलं आहे एका विशिष्ट पक्षाच्या विशिष्ट नेत्यांनी केलेलं त्याची चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला आम्ही इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कलेक्टर गव्हर्नमेंट या सगळ्यांना आम्ही हे केलेलं आहे। माळा के चेअरमॅन विजय नाहटा ने मनपा आयुक्त से मुलाकात के बाद सिडको एमडी से भी मुलाकात की। नई मुंबई की इमारतों के रीडेवलपमेंट, खाली भूखंडों के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि सिडको एमडी से उनकी यह मुलाकात निजी बताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।